एमपी में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुद्दी पूरी तरह गायब है और दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी जारी है और ये बयान ही है जिन्होंने इस चुनाव का रुख बार बार मोड़ा है। प्रचार अभियान में दोनों तरफ से कई ऐसे बयान आए जिन्होंने न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी। आइए एक नजर डालते हैं बयानों के इस चुनाव को किस तरह से प्रभावित किया है। बयान बयान और बयान, मुद्दे गायब, सिर्फ वार और पलटवार। एमपी की 28 सीटों पर चल रहा चुनाव सियासी इतिहास में विवादित बयानों के लिए जाना जाएगा। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी फिजा में गूंजे गद्दार और बिकाऊ टिकाऊ के नारे ने संकेत दे दिए थे कि मतदाताओं को इस बार दोनों तरफ से तीखे वार और पलटवार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सत्ता के लिए जो लोग 25 लोग गए, 35-35 करोड़ रुपए लेके गए, इसलिए गद्दार कहला रहे हैं, इसलिए गद्दार हैं वो। और गद्दारों की सजा वैसे तो मौत होती है, लेकिन इस चुनाव में इनका पॉलिटिकल मर्डर होगा। चुनाव शुरू ही हुए थे कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जुबान फिसल गई और उनके मुंह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए नालायक शब्द निकल गया। शिवराज जी, आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफी पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। नालायक शब्द का निकलना था और बीजेपी ने इसे लपक लिया और चुनाव के शुरुआती दिनों में ही बीजेपी ने इसे हर मंच पर दोहराया और कांग्रेस सफाई देती रही, लेकिन नालायक सियासी गलियारों में गूंजता रहा। हाँ भैया, अमेरिका में नालायक की सही, लेकिन तुम लायक हो कमलनाथ। तुमने कर्जा माफी किया, कर्जा माफ नहीं किया, तुम लायक हो और शिवराज लायक है। तुम लायक हो कमलनाथ। किसानों के फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया खा गए, 2018 के एक पैसा जमा नहीं किया। मैंने आते ही खाते में पैसा डाल दिया। कमलनाथ नायक है और शिवराज सिंह चौहान नालायक है। तुम लायक हो कमलनाथ। तुमने 0% ब्याज पर कर्जा देना बंद कर दिया किसान को, और मैंने 0% ब्याज पर कर्जा फिर से चालू करके 800 करोड़ रुपया फिर किसानों के नाम के डाल दिए। मैं नालायक हूँ। प्रदेश की सियासत में कमलनाथ पहली बार शायद अपनी सबसे सक्रिय भूमिका में थी, लिहाजा उनके शब्द बार बार फिसल रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के वादों और घोषणाओं पर तंज कसते हुए भी कमलनाथ ने तीखा हमला बोला, लेकिन सीएम शिवराज ने भी उस पर पलटवार करने में देर नहीं की। शिवराज जी को अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है, और कुछ नहीं मिलता तो कह रहे नारियल लेके चलें। और नारियल पवित्रता का प्रतीक है, भगवान की पूजा करते हैं तब हम नारियल चढ़ाते हैं, नारियल सेवा का प्रतीक है। अब नारियल ही लेके चलता हूँ, शैंपेन की बोतल लेके तो नहीं चलता। अभी शिवराज और कमलनाथ के बीच बयानों के तीर चल ही रहे थे कि किसान कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर ने बयान का ऐसा बम पटका कि उसकी गूंज प्रदेश की सीमाएं लांग गई और बीजेपी तो शायद ऐसे ही किसी बयान के इंतजार में थी। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान पर 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी। और आज कहना चाहता हूं उद्योगपति, धरती के संसाधनों पर गरीब का भी बराबर का हक और अधिकार है। ये गरीब बना के भगवान ने परमानेंट नहीं भेजा, ईश्वर समदर्शी है। ये गरीबी और अमीरी का भेद पैदा किया तुम जैसे लोगों ने, अपनी बुद्धि कुटिलता और ताकत का इस्तेमाल करके कुछ लोग उद्योगपति धनवान बन गए, बाकी गरीब रह गए। भूखा नंगा सियासी फिजाओं में खूब गूंजा। कांग्रेस की मुश्किल ये थी कि इस बयान को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी शायद उसके खिलाफ ही जाती दिखी। इधर इस उपचुनाव का सबसे चर्चित चेहरा इमरती देवी सक्रिय हुई और कमलनाथ पर उन्होंने बड़ा हमला बोला।
कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है। उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाके कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। इमरती देवी लगातार कमलनाथ पर हमला बोल रही थी, तभी कमलनाथ डबरा पहुंचे और इमरती देवी को काउंटर करने के चक्कर में उनके मुंह से ऐसा कुछ निकला जिसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर हुई। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, क्या आइटम है? कमलनाथ के मुंह से निकला आइटम इस उपचुनाव का सबसे बड़ा बयान बन गया। रही सही कसर शाम को इमरती देवी के आंसुओं ने पूरी कर दी। आइटम को लेकर बीजेपी ने कमलनाथ पर चौतरफा हमला बोला और कमलनाथ पूरी तरह से घिर गए। माँ बहन और बेटियों का सम्मान सर्वोपरि या सर्वोच्च है, उनके सम्मान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। मैडम सोनिया गांधी को मैंने कहा है कि इस पर वो कार्रवाई करें। आदित्य सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। आइटम कांड प्रदेश की फिजाओं में जमकर गूंज रहा था। आखिर कमलनाथ को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने खेद भी जता दिया। और जब मामला ठंडा होता लग रहा था तभी दिल्ली से राहुल गांधी का बयान बम आया जिसने कमलनाथ को ही घायल किया। मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं, और अगर कोई सोचता है असम्मानित बात कोई, मुझे इस बात का खेद है, पर ये कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है? कमलनाथ जी फ्रॉम माई पार्टी बट आई डोंट लाइक पर्सनली the type of language that Kamalnath ji has used and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. ऐसा नहीं है कि उपचुनाव के सारे बयानवीर कांग्रेस से ही बोल रहे थे। बीजेपी से अचानक बिसाहूलाल सिंह एक विवादित बयान के साथ सामने आए। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार की पत्नी के बारे में ऐसी टिप्पणी की जिसे सुनाया जाना भी मुश्किल है। हालांकि यहां बीजेपी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया और उनकी तरफ से माफी मांग ली। विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है। अगर आपत्तिजनक कुछ है और किसी को ठेस लगती है तो मैं संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगता हूं। आइटम पर जंग जैसे तैसे धीमी पड़ी और इधर चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू हुए। यहाँ भी सबसे ज्यादा ध्यान कांग्रेस ने ही खींचा। यूपी से आए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सीएम पर ऐसी टिप्पणी की जिसने बीजेपी को फिर हमलावर कर दिया। हालांकि इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी अपने चुन्नू मुन्नू वाले बयान पर घिर गए और उन्हें सफाई देनी पड़ी। मुझे याद है कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी एक दिन बात हुई तो उसमें कुछ माफियाओं का जिक्र आया, एक आध माफिया को इंदौर का था, मुझे मैं नाम भूल गया। कमलनाथ जी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहे थे लेकिन जिस तरह पिल्ले की रक्षा कुत्ता करता है ऐसे ही किसी ने उसकी रक्षा की थी। ये चुन्नू मुन्नू कहते हैं कि सिंधिया जी बिक गए। अरे चुन्नू मुन्नू कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, तुम दोनों की संपत्ति मिला लो 1000 करोड़ से ज्यादा की नहीं होगी। सिंधिया जी का वो बंगला ही उससे ज्यादा कीमत का है, तुम उनकी बराबरी क्या करोगे यार? इसके अलावा भी कई बयान हैं जिनकी गूंज इस उपचुनाव में खासी रही। इन बयानों के शोर में मुद्दे कहीं खो गए और नेता एक दूसरे पर हमला बोलते रहे। जाहिर है ये उपचुनाव मुद्दों से ज्यादा बयानबाजी के लिए जाना जाएगा और कहीं ना कहीं इस चुनाव ने लोकतंत्र में अपने विरोधियों के प्रति सम्मान रखने की परंपरा को भी घायल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।